मैं गिरा चंदौली से हूँ और मैं एक बार ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का गले में था। इसके बाद दोबारा एक बार तो इसको इसमें आना पड़ा क्योंकि इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद यहाँ का इलाज बहुत ही अच्छा है, न चिरफा है न केमो है न सिकाई है, इसलिए सुविधाजनक है। हाँ, कितने समय से आप मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं और कहाँ कहाँ आपका इलाज चला है? अभी तो पहले हुआ था 7 वर्ष पहले, अब 2017 में, उसके बाद अभी 4 महीने से हम पीड़ित है। अच्छा, तो ये 4 महीना का जो सफर था किस तरह से था? तो ऐसे देहात में दवाई करते थे लेकिन कोई कायम अभी नहीं हुई। कैसा हॉस्पिटल में गए बनारस, तो डॉक्टर ने कुछ डेट पर करके ना विटामिन की गोलियाँ दे दिया, तो 10 दिन खाया तो उसे और देखा बढ़ता जा रहा है, बंद करके मैं आ रहा। अच्छा, हाँ, तो हमने के डॉक्टर हमें बड़े सीधा पहुँच जा रही सीधा चला। तो यहाँ के बारे में जानकारी कब मिली थी? इससे पहले जानकारी हमको मिल सके 4-5 महीना पहले। ओके। क्योंकि हमारे एक होमियो के डॉक्टर हैं जी, महेंद्र यादव जी, वो बताए थे तो वहाँ चले जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं आ सके, हम इधर भटकते रहे, लेकिन दोबारा बड़े जाइए तो मैं आ गया इधर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 दिनों में यहाँ पे जो कुछ भी इलाज चला तो किस तरह की चीज़ों में आपको राहत मिली है? इसमें साहब बहुत तरह के राहत, अंदर का अंदरूनी दर्द खत्म हो गया, खाने पीने में दिक्कत होती थी वो खत्म हो गई है, बाहर से भी दर्द खत्म हो गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो राहत मिली है, बहुत अच्छी राहत। और अब आप कल यहाँ से जा रहे हैं घर, तो पूरी चीजें अच्छे से समझ गए हैं कैसे दवा लगाना है, कैसे क्या कुछ करना है? So, अब क्या लग रहा है कि मतलब इस बीमारी से, मतलब इस बीमारी को वाकई हराया जा सकता है? हाँ, हराया जा सकता है, ऐसे विश्वास आपकी बनी है? हराया जा सकता है जी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। यहां पर मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के मार्गदर्शन से अब तक हजारों कैंसर मरीज ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।